12 मार्च वर्ष 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू हुआ। इसे मुख्य रूप से नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह कर प्रतिरोध और औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेजों ने नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया था। 25 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा था। 12 मार्च वर्ष 1954 में भारत सरकार ने साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया। भारत की आजादी से पहले से ही देश की ब्रिटिश सरकार के पास भारत में साहित्य की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन था। आजादी के बाद भारत सरकार ने प्रस्ताव का अनुसरण करते हुए 15 दिसंबर 1952 के प्रस्ताव के अंतर्गत साहित्य अकादमी की स्थापना की। सर्वसम्मति से 3 राष्ट्रीय अकादमियों के गठन का निर्णय हुआ। एक साहित्य के लिए, दूसरे दृश्य कला और तीसरे नृत्य नाटक और संगीत के लिए। अकादमी हर साल अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के लिए पुरस्कार प्रदान करती है।